सो अभी पहुंच गए अपने झुंझुनू शहर में, और ये सब कुछ मतलब बड़ा अर्ली मॉर्निंग है, और वीडियो तो लेट स्टार्ट करेंगे एक तरह से। और थोड़ा सा अपडेट दिया कि मैं पहुंच गया झुंझुनू, और ये कुछ इस टाइप से मेरी हालत हो गई रखी है। अगर मैं दिख रहा हूँ तो ये मेरा बैग, या मैं दिख रहा हूँ ना, पता नहीं, पर ठीक है, जैसा जो भी है, चलते हैं पहले घर पे। वैसे मॉर्निंग तो हो चुकी है, बड़ी अर्ली मॉर्निंग हो चुकी है। चिड़ियों के चहचहाने की जगह पे कौओं की आवाज़ आ रही है, पर ठीक है। हाँ, यहाँ थोड़ी लाइट आ चुकी है, तो मैं थोड़ा यहाँ पे दिख जाऊँगा, अच्छे से दिखाता हूँ। ये देखो मेरा बैग वैग, हाँ झोला, वो एक मोदी जी का डायलॉग है ना कि हम तो झोला उठा के चल लेंगे, वैसा लग रहा हूँ मैं आज। अच्छा अभी घर पे पहुँचता हूँ, पैदल पैदल चल रहा हूँ, तो ये थोड़ी मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी, काफ़ी टाइम से मॉर्निंग वॉक की नहीं है। जल्दी से यहाँ पड़ोस में ही रहता है, पास में ही रहता है रास्ता, तो ऑटो लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि 100 रुपये लेते हैं ऑटो के रात को। हाँ मतलब उनका भी जाएगा, क्योंकि रात को बेचारे वो नाइट ड्यूटी करते हैं, तो उसके हिसाब से। और यहाँ पर हमारे यहाँ पर इतने ज़्यादा वो नहीं है, क्या बोलते हैं, पैसेंजर्स नहीं होते, तो हाँ उनका भी सही बनता है। मैं चलता हूँ जल्दी से घर पर, और फिर सुबह एक अच्छे मूड से, अच्छे नहा धो के स्टार्ट करेंगे व्लॉग। हेलो, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप साहब? मैं एकदम बढ़िया, अभी फाइनली मैं अपने रूम में हूँ, बढ़िया नहा धो के एकदम तैयार होकर बैठ चुका हूँ। और जो बीच की प्रोसेस बताता हूँ वो ये सब कुछ हुआ कि अर्ली मॉर्निंग सुबह पहुँच गया था झुंझुनू, और घर पे आके रेस्ट रेस्ट कर लिया था। अभी मैं थोड़ा जल्दी खड़ा हो गया क्योंकि घर वाले थोड़ा सा डांट वाट लगाने लगे, नहीं तो नींद बहुत ज़्यादा आती है मुझे। ये शेड्यूल अपना बना हुआ है ना कि दोपहर को या फिर शाम को निकलने वाला, तो अभी क्या कि हमारे ही रिलेटिव में शादी है, और हमें भात प्लस मायरा, मतलब जानते होंगे आपकी भात भी बोलते हैं, मायरा भी बोलते हैं, तो वो लेके जाना है उनको, और हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा उनके साथ में। और ये पापा जी के ननिहाल के अंदर होगा सब कुछ, तो हाँ ज़रूरी है मतलब वहाँ जाना, और इसलिए वहाँ जा रहा हूँ। और नाश्ता वास्ता मैंने सब कुछ कर लिया है कम्प्लीट। और एक वो होता है ना कि दाने दाने बलिका खाने वाले का नाम, तो मैं कल आने वाला, मतलब परसों आने वाला था मैं, बट हाँ मतलब सॉरी परसों नहीं, परसों चलने वाला था, और कल मैं पहुँच जाता सुबह, बट मेरा कल का खाना चंडीगढ़ था और आज का खाना मेरा बस वहाँ शादी में, तो वहाँ पे चलते हैं। और आई थिंक ये शायद मेरा सबसे टाइटल भी मिल जाएगा कि दाने दाने बलिका खाने वाले का नाम। अभी निकलता हूँ मैं पहले गाड़ी लेके, और थोड़ी सी उसकी मतलब वॉश वॉश करवा लेते हैं, अगर वॉशिंग हुआ पाए तो, नहीं हो पाती है तो खुद को सोना पड़ेगा, थोड़ा बहुत साफ़ वाफ करना पड़ेगा, काफ़ी दिन से यहीं पे खड़ी है। और उसके बाद में यहाँ से निकलेंगे शादी में। अभी चल चुके हैं घर से, और थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं जहाँ पे वो प्रोग्राम हो रहे हैं, और थोड़ा सा हाँ लेट जरूर हो चुके हैं काफ़ी ज़्यादा। हाँ बस जल्दी जल्दी पहुँच जाए वहाँ पर, ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। सो ये फाइनली पहुँच गए हैं यहाँ पे, और गाड़ी उतरते हैं अपन, यहाँ पे रहे बाहर शादी वादी का प्रोग्राम चल रहा है, दिखाऊँ तो मैं आपको, वो रहा अब हमें जाके हाँ काम करवाने पड़ेंगे, यहाँ पे हो रहा है शादी का प्रोग्राम। शादी वाला जो हमारा काम था यहाँ पे वो कंप्लीट हो चुका है, और अभी साउंड ऑन चल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से निकलते हैं अपन, अभी अपनी गाड़ी की तरफ आ चुके हैं। गाड़ी बहुत ज़्यादा गर्म हो गई होगी क्योंकि ये राजस्थान का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, देखो सूरज ज़्यादा, चलते हैं यहाँ से। काफ़ी देर पहले चले थे, बट अभी 5:30 बजे पहुँचे हैं अपने घर की तरफ, और हमारे यहाँ गली में भी गई किसी की शादी थी, जब मैं रात को आया था फेरे हो रहे थे उस टाइम पे। गाड़ी को लगा देता हूँ यहाँ पार्किंग में अपनी जगह पे, और उसके बाद मैं निकलते हैं कहीं ना कहीं पे। अभी थोड़ी देर पहले आए थे घर पर, और अभी वापस चलने लगे हैं घर से ही, और ये अपनी प्यारी रानी काफ़ी टाइम बाद घर से बाहर निकली है, क्योंकि मैं यहाँ पर रहता नहीं हूँ। आज इसकी राइड लेते हैं, छोटा सा काम भी है वो भी कंप्लीट कर लेंगे, और इसकी राइड भी ले लेंगे। अभी निकलते हैं यहाँ से, अपने पहले सीए साहब के साथ पास चलते हैं, उनके पास में थोड़ा सा वो डॉक्यूमेंट का कोई काम रहा हुआ है मेरा, क्योंकि फाइल वाइल अभी बनी है ना, फाइनेंस ये अभी कंप्लीट हुआ है उस वजह से। सो अभी निकलते हैं सीए के पास में, ये आए थे हम सीए साहब के पास में, और अपनी गाड़ी को भी सीधा करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। काम छोटे मोटे जो थे वो कम्प्लीट कर चुके हैं, हाँ थोड़े से कुछ और काम हैं, बट वो अभी काम हो नहीं सकते, कल होंगे, तो अब यहाँ से निकलते हैं, कल फिर से आते हैं सीए साहब के पास में। अभी आ चुके अपने घर पे, गेट वेट खोल दिया मैंने, और अपनी रानी को अंदर खड़ी करते हैं, अभी यहाँ पे कर चुके अपनी पार्किंग, अभी चलते हैं अपने घर में, और काफ़ी काम हो के है कंप्लीट करती है सारे के सारे, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अभी कल बचे हैं काम सारे, वो बाद में करेंगे।
अरे मैं आया था हेयर कट करवाने के लिए अपने, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े बाल हो रखे हैं और आपने काफ़ी सारी मेरी वीडियोस देख ली कि आपने मेरा फोरहेड नहीं देखा हुआ, तो अब ये देखो फोरहेड मेरा ऐसा फोरहेड है तो मुझे हेयर कट करवाना है, थोड़ा सा ऐसे प्रोफेशनल लुक लेना है इस वजह से, और ये काफ़ी थोड़ा सा काफ़ी दिन से अजीब लग रहा है इसलिए। और ये सैलून है, मतलब ये वाला, तो इसका पीछे वाला एरिया जहाँ पे वेटिंग रूम वगैरह है, इसे देख सकते हो आप कितनी प्यारी लग रही है। और आगे है सैलून, तो पहले मैं यहाँ बैठा रहता ताकि मैं आपको लोगों को ऐसे दिखा सकूँ मेरा पुराना, सॉरी आफ्टर एंड बिफोर वाला लुक। ये देखो ये है मेरा बिफोर वाला लुक, देखते हो कितने बड़े बड़े बाल हो गए। और हाँ, मेरी आउटफिट जरूर बताना, मैं आउटफिट कैसी लग रही है। नीचे मैंने ग्लाइडर डाले, नीचे मेरा पजामा, और ये मेरी एक हॉफ शोल्डर या फिर ओवर साइज टी शर्ट बोल सकते हो, अच्छा लग रहा है। और ये इनका पूरा सैलून है ऐसा वैसा। और ये मेरा, और ये है हेयर सैलून का इंटीरियर, चेयर वेयर ऐसा, मेयर वेयर, फैन वैन, सब कुछ। सो कुछ इस टाइप की हुई कटिंग, बताना जरूर कैसा लग रहा हूँ। काफ़ी दिन बाद मैंने फोर हेड देखा है वैसे, और शायद अच्छा भी लग रहा हूँ अभी ना। बाइट्स वाइट्स भी ज़्यादा आती हैं यहाँ पर, बाकी ठीक है माहौल यहाँ का। हाँ यहाँ पे सही आ रहा है, अच्छे लग रहे ना अभी, ठीक है अभी वापस वो पुराने वाला लुक आ गया सचिन का, और आई थिंक वो पुराने वाला सचिन भी आ जाएगा बिजनेस मैन वाला। यहाँ से चलते हैं, पेमेंट करते हैं यहाँ पर। तो ये लुक बन गया है अपना, मैं पहुँचा हूँ घर पर, ओह बाहर नहीं खुलता ये, घर वालों के रिएक्शन देखता हूँ कि कैसे आ रहे हैं मेरे न्यू हेयर कट पर, क्योंकि काफ़ी दिन बाद भी फॉरवर्ड दिखेगा ना मेरा वाला, वंदर लगेगा। कुछ खाना वाना बना रहे पापा जी, मत कवर रहूँगे एक मिनट, दिखा दो किसको लग रहा है हेयर कट। अरे हेयर कटे है सही तो है, छोटा तो करवा लिया, तो तू ये बता जो अब इतना ये सही हो गया पाजी है, सही हो गया इतना छोटा तो करवा लिया, थोड़ा छोटा करवाना। अरे अरे सुंदर कौन लग रहे हो, कौन लग रहे हो, कद लगूंगा कैसा लग रही है कट सब लग रहा है, डाल चुका है तो कैसा लग रहा है बाल, अभी तो ठीक लग रही, सुबह लग रही है बस हो जाएगा, किसी को मेरी वो ही नहीं है, केयर ही नहीं है, सब बोल रहे हैं कि बड़े ही हैं अभी भी, बट ये बड़े नहीं है यार, थोड़े छोटे ही हो गए हैं इस टाइम पे तो, बट क्या ये भी ऐसे ड्राई ड्राई लगा के आया ना, तो ये थोड़ा सा ऐसे बाउंसी बाउंसी लुक दे रहा है। बट ये सुबह सुबह मुझे पता है जब ऐसे, जैसे दीदी ने कहा कि नॉर्मल हो जाएंगे, हाँ ये नॉर्मल हो जाएंगे, बट रात रात के लिए तो मजे ले ही सकते ना कि वाह वाह क्या बाल लग रहा है मेरा, आई एम अ रॉकस्टार। सो रिएक्शन देखा आप लोगों ने कैसा रहा रिएक्शन बालों के लिए, और अभी मैं खाना वाना खा के बैठ चुका हूँ, और उसके बाद मैं थोड़ी सी ऑयलिंग भी कर ली ताकि, क्योंकि अभी कटिंग करवा के आऊँ, थोड़ी ऑयलिंग ऑयलिंग थोड़ी अच्छे से तेल जम जाएगा, और कल इनको वॉश भी कर लेंगे। तो मतलब आज का बस व्लॉग में सब कुछ इतना ही था, हाँ थोड़ी डांट पड़ी अभी भी लग रहे हैं घर वालों को कि बड़े ही बाल है मेरे, थोड़ा ऑयल लगा हुआ है ना उसकी वजह से वो साइड से निकल रहा है तो वो चीज़ है थोड़ा सा नेगलेक्ट करना। सो व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड, टाटा बाय बाय गुड नाइट, सब लोग अपना ख्याल रखना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।